नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेति नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, सभी मनुष्य को यह जानने की बहुत इच्छा होती है कि उनका आने वाला भविष्य, उनका आने वाला जो समय है, वो आखिर कैसा रहेगा। अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं, जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे, आपकी राशि से क्या आपको शुभ क्या आपको अशुभ फल देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा वृषभ राशि का ये साल का 2021 का अंतिम तीन महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसा रहेगा। एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आज मैं करने जा रहा हूं आपके समक्ष कि आपकी राशि से नेगेटिव और पॉजिटिव क्या प्रभाव आपको मिलेंगे। बहुत विशेष दोस्तों आज का ये वीडियो है, जो कि आपकी जन्म की राशि यानी कि आपकी मून साइन पर आधारित रहेगा। सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कब आपका अच्छा रहेगा, कब आपको सावधानी रखनी है, कौन सा आपको उपाय करना है, सभी विषय पर आपको बताऊंगा। करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि से जो ग्रहों की पोजीशन रहेगी, जो स्थिति रहेगी, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। राशि पर विराजमान रहेंगे राहु देव, सेवंथ हाउस में रहेंगे केतु शुक्र के साथ में, आपके पंचम भाव में रहेंगे बुध सूर्य और मंगल, आपके नाइन्थ हाउस में रहेंगे देव गुरु के साथ में शनिदेव। दोस्तों, एक बात मैं आपको विशेष कहना चाहता हूं, अक्टूबर के महीने में जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पंचम भाव में बुध हैं अपने ही घर के, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी देखी जाएगी। शुक्रदेव आपके सेवंथ हाउस में है, आपका बिजनेस में आपका मन लगेगा, आपका व्यापार अच्छा देखा जाएगा, आपकी जो सेहत है, आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, यह बहुत अच्छा देखा जाएगा, क्योंकि राशि के मालिक शुक्रदेव राशि को देखेंगे। यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा। अगर आप कोई लग्जरी आइटम्स का काम करते हैं, कोई फैशन से रिलेटेड काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, या फिर कोई एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, तो वो आपके लिए फील्ड काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव केंद्र में बैठे होंगे और फर्स्ट हाउस को देखेंगे। बुध ग्रह सूर्य मंगल और बुध की दृष्टि आपकी इलेवेंथ हाउस पर पड़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स। यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो उसके अलावा कहीं और से जो आपको पैसा आता है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स हो सकती है अक्टूबर के महीने में, और इनकम गेन भी दिखाई देती है अक्टूबर के महीने में। आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, संतान पक्ष भी मजबूत देखा जाएगा। और एक चीज और, अगर आप किसी लव रिलेशन में चल रहे हैं, किसी अफेयर में, वो अच्छा तो देखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है अक्टूबर के महीने में। दोस्तों, 17 अक्टूबर को सूर्य देव सिक्स हाउस में चले जाएंगे और 22 अक्टूबर को मंगल देव भी सिक्स हाउस में चले जाएंगे। जब सूर्य देव सिक्स हाउस में जाएंगे तो अपने माता का स्वास्थ्य पे ध्यान रखकर चलना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब सूर्य देव सिक्स हाउस में जाएंगे तो आपके मान सम्मान में आपको ध्यान रखकर चलना होगा। मान सम्मान में ध्यान रखना है यानी कि अपने पेशेंस पर ध्यान रखना होगा, जहां पर भी काम करते हैं अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। सुख सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है, यानी कि डिसेटिस्फैक्शन किसी भी काम में है, आप चाहे कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहां पर डिसेटिस्फैक्शन हो सकती है 17 तारीख के बाद, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक, जब तक सूर्य देव सिक्स हाउस में बैठे रहेंगे, वो भी नीच के, दोस्तों नीच के होकर, और मंगल देव भी सिक्स हाउस पर रहेंगे शत्रु के घर में, शुक्र के घर में तुला राशि में। वैवाहिक जीवन पे भी ध्यान रखना होगा, कब तक, एक महीने तक, 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक आपको अपने वैवाहिक जीवन पर भी ध्यान रखकर चलना होगा, क्योंकि बिना वजह के बहस, बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपके वैवाहिक जीवन में देखी जा सकती है। वही दोस्तों, एक तारीख को बुध ग्रह भी छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि
नवंबर का महीना मैं देख रहा हूं कि आपके आपके पर्सनल लाइफ को लेकर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। नवंबर के महीने में आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि बुध ग्रह भी आपके सिक्स हाउस में जाएंगे, यानी कि पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई से मन डाइवर्ट होना, प्रेम प्यार में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अपनी वजह से प्रेम प्यार को खराब करना, यह भी हो सकता है। क्योंकि एक तारीख को तो बुध राशि परिवर्तन करेंगे, दो तारीख को शुक्र भी राशि परिवर्तन करके एट हाउस में जाएंगे धनु राशि के, यानी कि अपने ऊपर अपनी अपने अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा आना, पेशेंस लेवल कम होना, कफ कोल्ड फीवर इन सब चीजों से थोड़ा बचकर रहना है, खाने पीने की चीजों पर थोड़ा सावधान होना होगा आपको क्योंकि शुक्रदेव एट हाउस में जाएंगे। लेकिन दोस्तों 17 नवंबर के बाद जब सूर्यदेव आपके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो जो समस्या आपकी चल रही थी आपके पढ़ाई में, आपके माता के स्वास्थ्य में, आपके स्वास्थ्य में, वो 17 नवंबर के बाद धीरे धीरे चलकर ठीक हो जाएगी। उसी के साथ जब 8 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में गोचर करेंगे तब आपके करियर को लेकर, तब आपके करियर को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आपके फाइनेंशियल को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप अगर आप नौकरी सर्च कर रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। नवंबर का महीना मैं कह सकता हूं थोड़ा बहुत आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, आपके प्रेम प्यार को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, ना ही मैं आपको नेगेटिव करना चाहता हूं और ना ही मैं आपको पॉजिटिव करना चाहता हूं। जैसा मुझे दिख रहा है राशि के आधार पर वैसा ही मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप सावधान हो जाएं, ताकि आप अवेयर हो जाएं और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर चलें और उपाय उपाय भी आप करें अपनी लाइफ में, उपाय भी करें। दिसंबर का महीना सबसे अच्छा रहेगा आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, क्योंकि शुक्र देव आपके मकर राशि में जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में होंगे और शनि देव आपके भाग्य स्थान में होंगे, यानी कि कुल मिलाकर भाग्य आपका साथ देगा। इन तीन महीनों में कोई नई चीज आपके घर परिवार में आ सकती है, यानी कि कोई नया चीज आप खरीद सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभ देगा आपके घर परिवार में और खुशियां भी लेकर आएगा। दोस्तों खुशियां भी लेकर आएगा। और दोस्तों 16 नवंबर को सूर्य देव भी धनु राशि में आएंगे और 17 दिसंबर को बुध ग्रह भी धनु राशि में आएंगे, तो यानी कि 16 दिसंबर के बाद से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस दिसंबर का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये साल के तीन महीने जाते जाते आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि देते हुए जाएंगे। अगर नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो नौकरी परिवर्तन का योग भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको शुक्र देव का बीज मंत्र करना है, शुक्र देव आपके राशि के मालिक हैं। बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार रोजाना किसी भी समय पर। और दूसरा आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना है 108 बार सूर्य अस्त हो जाने के बाद, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः 108 बार रोजाना। अगर आप ये दो बीज मंत्र फॉलो करते हैं तो आपका पर्सनल लाइफ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। और चंद्रमा के बीज मंत्र से जो आपको एंजाइटी होती है, जो आपको तनाव मिलता है, जो आपको डिप्रेशन होता है या बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो सब चीजें कंट्रोल होती हुई देखी जाएगी। ये आप रोजाना फॉलो कीजिए। कैसे लगे आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।